ही वकील साहब से बात हुई तो उनका तो साफ कहना था कि 166 पेज में कुल मिलाकर के उसका डिसीजन जजमेंट आया है, और उन्होंने जो स्टडी करके जजमेंट के बारे में बताया कि साफ जाहिर इससे हो रहा है कि बीएड वाले को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, यही निचोड़ है बात का। अच्छा। हाँ, बिहार सरकार मतलब को मतलब बीएड वाले किसी भी हाल में इस 1-5 से में अब नहीं आ सकते हैं, बाहर हो चुके हैं। तो अभी वकील साहब का यही कहना था। नमस्कार दोस्तों, और जब से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बीएड के अभ्यर्थी 1-5 वाले प्राथमिक जो शिक्षक बनते हैं उनमें एलिजिबल नहीं होंगे, तब से विद्यार्थियों में एक बेचैनी का माहौल बन चुका है, और तमाम विद्यार्थी मान रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल होगा, कि बीएड वालों को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, कि परीक्षा की डेट बढ़ेगी, क्या होगा, विद्यार्थियों के मन में तमाम असमंजस पड़ा हुआ है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विद्यार्थियों के मन में खलबली मची हुई है, कुछ का मानना है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, कुछ का मानना है कि पूरी बहाली कैंसिल हो जाएगी, कुछ का मानना है कि परीक्षा का डेट आगे बढ़ाया जाएगा, सर निर्णय के बाद क्या हो सकता है? क्या हो सकता है, हम बताने वाले कौन होते हैं, लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से अचानक कोर्ट की डिसीजन आई और स्टूडेंट का भी स्थिति आप देखिएगा तो वास्तविकता पता चलेगा कि इन स्टूडेंट पर क्या गुजर रही है इस डिसीजन के कारण, क्योंकि हाई कोर्ट का डिसीजन या लोअर कोर्ट का डिसीजन रहता तो एक मतलब रहता, तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इस लेकर के और इस डिसीजन को अब सब समझ रहे हैं कि अंतिम डिसीजन ही हो सकता है, क्योंकि जनरली देखा गया है कि जो फर्स्ट बेंच मतलब में सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो अंतिम डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी अंतिम निर्णय होता है सर, लोग यही माना जाता है जनरली, लेकिन अभी चूंकि एक थोड़ा सा आशा का किरण सभी को यह दिख रहा है कि चूंकि फर्स्ट बेंच का डिसीजन है, अगर जो उसमें पिटिशनर हैं वो अगर दोबारा से रिट दायर करें तो सेकंड बेंच में ये मामला जा सकता है, और जनरली ये भी देखा जाता है कि फर्स्ट बेंच का जो डिसीजन है जनरली कंटिन्यू होता है, तो अब इस चीज़ को समझते हुए, चूंकि ऐसा नहीं सारे बच्चे ग्रेजुएट हैं जो बीएड किए हुए हैं, हर बात को अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसलिए इनकी मन स्थिति की कल्पना करना अभी मुश्किल है कि कितना परेशान इस डिसीजन के कारण है। आज हमारा टेस्ट भी था, हर टेस्ट में लगभग 1200-1400 स्टूडेंट अपीयर होते थे। अच्छा। लेकिन आज आप देखेंगे टेस्ट में मात्र 600 स्टूडेंट थे, और जो भी स्टूडेंट थे कहीं मनोबल टूट चुका है, बिल्कुल मनोबल टूट गया है कि अप्रोक्स 70% स्टूडेंट इसमें बीएड वाले ही हैं, अप्रोक्स 70%। लेकिन आज जब क्लास हम गए, हैंड रेज करवाए कि इसमें कितने स्टूडेंट बीएड वाले हैं, तो बीएड वाले थे उतने 70%, लेकिन इतनी मायूस उसी उनके चेहरे पर थी कि उसकी कल्पना आपको आप नहीं कर सकते हैं। साथ में डीएलएड वाले बच्चे भी थे, तो दोनों का रिवर्स था। और तो, इस निर्णय से सर आपको नहीं लगता है कि जो डीएलएड वाले छात्र हैं और कुछ बीएड वाले छात्र हैं दोनों में आपसी मतभेद हो गया है पूर्णतः? नहीं, मतभेद वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट भी अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर हमारा योग्यता बीएड है और मेरे साथी का डीएलएड है तो उसमें उसका कसूर या हमारा ये दोनों बातें नहीं है, इसमें एक दूसरे को प्रतिभागी नहीं समझ रहे हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें बताए कि चूंकि बीएड वालों को बहुत सारा ऑप्शन ऑलरेडी रहता है और डीएलएड में ऑप्शन सीमित है, तो इस आधार पर भी इस तरह की बातें आई, लेकिन समझ में ये नहीं आ रही है कि जैसे 2-3 साल से ये मामला चल रहा था और जब 10 दिन के बाद एग्जाम होना था तब जाकर अचानक इस तरह का डिसीजन कई तरह का प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करती है। हाँ। अच्छा सर, शिक्षा जो है समवर्ती सूची भाई साइलेंट करिए देखिए स्टार्ट है ना। सर, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है और इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का, लेकिन निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट का है, तो क्या आपको लगता है कि बिहार सरकार अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करेगी और इस बहाली में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पालन न करते हुए अगले वैकेंसी से इस निर्णय का पालन करेगी?
बहुत ज़्यादा कानून का नॉलेज तो हमको नहीं है, हम भी तो अभी आपके सामने ही वकील साहब से बात हुई, तो उनका तो साफ कहना था कि 166 पेज में कुल मिला करके उसका डिसीजन जजमेंट आया है, और उन्होंने जो स्टडी करके जजमेंट के बारे में बताया कि साफ जाहिर इससे हो रहा है कि बीएड वाले को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, यही निचोड़ है बात का। अच्छा। हाँ, बिहार सरकार मतलब को बीएड वाले किसी भी हाल में इस 1-5 से में अब नहीं आ सकते हैं, बाहर हो चुके हैं। तो अभी वकील साहब का यही कहना था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि बिहार सरकार के अब पाले में गेंद पहुंचा है, तो अब बिहार सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। संभव है कि 2-3 दिन के अंदर में बिहार सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी, हो सकता है कि इस वैकेंसी को फिर से आपको रद्द करके रिवाइज करे या स्टूडेंट का एग्जाम ले ले। स्टूडेंट का एग्जाम लेने की संभावना उन्होंने कम बताया, ये उनका पर्सनल विचार था। तो चूंकि अब वो कानून के जानकार है, उससे ज़्यादा तो हमको जानकारी है नहीं, तो इसलिए करके अपना तर्क तो हम बहुत ज़्यादा इस मैटर पर हम दे नहीं सकते हैं। तो हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं। साथ अभी कुछ छात्र भी हैं और इनकी जो मनोदशा है आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। इनके मतलब एक कह सकते हैं कि आगा में थाली रखकर निवाला छीन लिया गया है। बीएड वालों की अभी ये स्थिति हुई है, क्या स्थिति है आप लोगों की अभी? यहाँ ये हो गया है कि जैसे मतलब कि पहले तैयारी किया जाता था, अभी परिस्थिति ही बन चुका है कि तैयारी करे या फिर अभी सरकार का देखेगी क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या बोर्ड कर रहा है। अभी बोर्ड कुछ स्थिति मतलब स्पष्ट कर देती तो हमें ये हो जाता कि नहीं हम 1-5 में है या मतलब नहीं। आप लोग चाहते हैं कि बीपीएससी कुछ न कुछ नोटिस जारी करे कि जो निर्णय आया है इस पर बीपीएससी का क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बीपीएससी बोर्ड जारी करे या फिर बिहार गवर्नमेंट शिक्षा विभाग जारी करे, शिक्षा विभाग कुछ नोटिस जारी करे। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है जब आप लोगों को 1-5 से बाहर कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो देश में कोई है नहीं, तो आप लोग को लगता है कि दोबारा से आप लोग एग्जाम में बैठिएगा और 1-5 में आप लोग एलिजिबल होंगे? बिल्कुल, अगर अगर गवर्नमेंट चाहे तो अध्यादेश जारी कर, अध्यादेश ला के और बिल पारित करके ही कर सकता है। अच्छा, मतलब जो भी आशा है अब बिहार गवर्नमेंट से आशा है? गवर्नमेंट से आशा है, बिल्कुल। अच्छा, कैसा फील हो रहा है? इतना जुनून के साथ आप लोग तैयारी कर रहे थे और 10-12 दिन बचा है एग्जाम में और निर्णय आता है कि अब आप लोग एलिजिबल नहीं है। सर, एकाएक मनोबल टूट गई है, पूरी मनोबल टूट गई थी। जो भी लग रहा है कि अब हमारा नौकरी हो सकता है और इतना जल्दी एग्जाम ले रहा था, बिहार सरकार फॉर्म आता है तो 1-2-3 साल लग जाता है एक एग्जाम को क्लियर करने में, लेकिन इतनी जल्दीबाजी के साथ टाइम टू टाइम हर चीज हो रहा था, पूरी तरह से टूट चुके हैं आप लोग जी। और एग्जाम से एकाएक यानी 10 दिन पहले ये नोटिस आ गया तो और ज्यादा मनोबल टूट गई है। आशा है कि बिहार सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी जी, बिल्कुल आशा है। अच्छा। पर देखते हैं क्या आगे क्या होता है। जिस लगन से आप लोग तैयारी कर रहे थे उस लगन से अभी भी तैयारी कर रहे हैं आप लोग जी? अभी तो है ही, अभी है, आशा है कि एग्जाम होगा जी, उसी लगन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, वही सोच के साथ आज फिर से पुनः टेस्ट में शामिल हुए। अच्छा, बिल्कुल, मतलब पूर्णतः विश्वास है कि 24-26 को एग्जाम होगा ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चलिए, बाकी इनकी स्थिति आप लोग समझ ही रहे हैं और जिस तरह से सर बता रहे हैं इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में कोई होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा आदेश हो चाहे बुरा। तो सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं जिस समय से ये वैकेंसी आई है लगातार विवाद में घिरा हुआ रहा, लगातार आप देखेंगे। हाँ बिल्कुल, आप देखेंगे कि पहले अदर स्टेट वाले को अलाउ करने का मुद्दा जो आया, एक गंभीर मुद्दा वो रहा, उसके बाद कई तरह का संशोधन, लगातार कई तरह का संशोधन पे संशोधन करते आई, लगातार नोटिस बदलते रही। अब जा करके एग्जाम से कुछ दिन के पहले अचानक एस्टेट की वैकेंसी भी आती है एस्टेट के लिए स्पेशली, और इतना हड़बड़ाहट में कि आज दिया गया, उसका प्रकाशन किया गया, नोटिफिकेशन आया और आज से ही आपको फॉर्म भरना है और मात्र 12-13 दिन का डेट दिया गया। यहाँ तो स्टूडेंट जो पास आउट हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, सर्टिफिकेट अभी तक निकाल नहीं पाए हैं, सर्टिफिकेट निकालने में 15 दिन का समय लगता है, ये समझ में नहीं आता। हाँ, बना देंगे सर इस मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गंभीर मुद्दा है। बाकी आप लोग जिस तरह से बिहार में शिक्षा का हाल है आप लोग समझ ही रहे हैं, स्टूडेंट के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें बार बार संशोधन, बार बार हर 10 दिन पर संशोधन होता है, कभी भी एक बार में नहीं बत स्पष्ट किया जाता है कि इस तरह से एलिजिबल हैं आप, ये चीज करेंगे, ये हमारी क्राइटेरिया है और उसको आप फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। इतना संशोधन करने की क्या जरूरत है, जब नोटिफिकेशन आता है तो उसी समय आप पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हर चीज को स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? बाकी छात्रों की क्या मनोदशा है आप समझ
समझ रहे हैं, बाकी आपकी क्या राय है, और अगर आप भी बीएड के अभ्यर्थी हैं और आप भी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी हैं और परीक्षा देने वाले हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो सकता है, क्या डेट आगे बढ़ाया जा सकता है, आपके मन में जो भी विचार हो अपने विचार को कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।